हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और 7 स्टार किचन पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पार्ले जी से बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 5-5 रुपए वाले 3 पैकेट लिए हैं पार्ले जी बिस्किट के। तो ये तीनों बिस्किट के पैकेट मैंने निकाल लिए हैं। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये लगभग 200 ग्राम के करीब होंगे। तो अब हम ये जो बिस्किट हैं इन्हें छोटा छोटा तोड़ के ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इन बिस्किट्स को हमें ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरीके का फाइन पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को भी मैंने मीडियम रखा है और इसमें अब हम डालेंगे 1 कप दूध। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फ्लेम को अभी के लिए मैंने हाई कर दिया था, अब वापस से हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूध गर्म हो चुका है। अब दूध में हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। ये मैंने लगभग 1 या 2 चम्मच कम चीनी ली है। आप चाहें तो पूरी 1/2 कप डाल सकते हैं, अगर आप चीनी थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो। चीनी को दूध में अच्छे से घुलने देंगे। अभी मैंने वापस से फ्लेम को हाई कर दिया है। इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो तले में चिपके नहीं। दूध अब हल्का सा गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये हमें मार्केट में इसी तरीके से मिल जाता है। अगर आप मार्केट वाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो घर में जो सूखा नारियल होता है उसे भी कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और नारियल के बुरादे को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच देसी घी। घी को भी हम नारियल के बुरादे में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, घी को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पार्ले जी का पाउडर जो हमने बनाकर तैयार किया था। ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच काजू, ये मैंने बारीक कट कर लिए हैं। अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 4 से 5 इलायची कूट के लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो अभी फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, मैंने अभी फ्लेम को चालू ही रखा है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें एक डो जैसा बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया है, आप जो बना रहे हैं दूध थोड़ा ज़्यादा आपने पका दिया है, तो आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। मेरा ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट बना है, तो एडिशनल घी मुझे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस मिक्सचर को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये जो मिक्सचर हमें यूज़ करना है ये हल्के गर्म में ही यूज़ करना है। अब हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े या छोटे कैसे भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए, हमारा एक बहुत ही सुंदर सा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे।